राजस्थान सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय गुर्जर देश सेना ने सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन। जनपद अमरोहा के कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपने के लिए अखिल भारतीय गुर्जर देश सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मूमराज सिंह गुर्जर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए मांग की है कि राजस्थान प्रदेश में जो गुर्जर जाति के नेता हैं, जिनका नाम सचिन पायलट है, उन्होंने बताया कि वह एक ऐसे नेता हैं जो देश के गुर्जर अपना नेता मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उनका शोषण हुआ। राजस्थान सरकार में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि वह मुख्यमंत्री के हकदार थे। इसी बात को लेकर के हमने इसके विरोध में ज्ञापन दिया है, क्योंकि वो युवा भी थे और देश के जाने पहचाने नेता भी। उनके पिता ने भी देश में गुर्जर जाति का मान बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को पार्टी से निकलवाने की तैयारी की। इस अपमान के हम लोग खिलाफ हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जिला मुख्यालय पर मैं डॉक्टर मोमराज सिंह गुर्जर अखिल भारतीय गुर्जर देश सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभी का। आज हम सब लोगों ने हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ जिले के अखिल भारतीय गुर्जर देश सेना के जिलाध्यक्ष सुखपाल सिंह, अखिल भारतीय गुर्जर देश सेना के प्रदेश सचिव कैलाश गुर्जर, अखिल भारतीय गुर्जर देश सेना के ही प्रदेश सचिव अरविंद कसाना और अखिल भारतीय गुर्जर देश सेना के युवा के जिलाध्यक्ष विचित्र भाटी पसंद हो गए ना, सारे लोग हम लोग इकट्ठा होकर राजस्थान सरकार के खिलाफ आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, जो राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा। इसमें हम लोगों ने मांग की है कि गुर्जरों के साथ जो सचिन पायलट के साथ गुर्जरों के जो नेता हैं राजेश पायलट, जिनके पिताजी का नाम था, जिन्हें पूरे हिंदुस्तान के लोग अपनी गुर्जर जाति का गौरव मानते थे, गुर्जर जाति का नेता मानते थे, उनके पुत्र जो एक नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए बनाए गए थे केवल कि उनके नेतृत्व में वहाँ राजस्थान में सरकार बने। उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुख्यमंत्री न बनाकर एंड टाइम पर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जो गुर्जर जाति के साथ एक अन्याय किया गया है। इसी बात को लेकर वहाँ विचारधारा पनपी कि भाई एक युवा को क्यों नहीं मौका दिया गया और वहाँ दूसरे व्यक्ति को आपने गहलोत को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया। इनमें तब से ही मतभेद चल रहे थे और गहलोत कोई ना कोई मौका तलाश रहे थे कि कोई ना कोई मौका इस तरह का मिले कि सचिन जी को पार्टी से निकालने का तैयारी की जाए। वही मौका उन्होंने देखा, उनको पार्टी से निकलवाने की तैयारी की। इस बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर समाज सचिन पायलट के साथ है और हम लोग संघर्ष करेंगे और इस अपमान का बदला लेंगे, क्योंकि गुर्जरों के साथ जो अन्याय किया है, गुर्जर जाति के नेता के साथ जो अन्याय किया है, इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।